हाय लवीज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे यूज करें एंजल नंबर्स एंड स्विचवर्ड्स को। क्या होते हैं एंजल नंबर एंड स्विचवर्ड्स, क्या करते हैं हमारे लाइफ में ये, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विचवर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोज बनाती हूँ। गाइज, रिसेंटली मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं वीडियोज एंजल नंबर स्विचवर्ड्स पे भी लाऊं। और अब मैं वीक में एक या दो वीडियोस तो जरूर लाऊंगी एंजल नंबर्स एंड स्विचवर्ड्स के लिए, लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये उन सारी चीजों का बेस है। कैसे आपको एंजल नंबर्स एंड स्विचवर्ड यूज करना है, कि क्या क्या तरीके होते हैं उनको यूज करने के, आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले बताऊंगी एंजल नंबर स्विचवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारी लाइफ में क्या मिरेकल्स करते हैं, इनको कितने दिन करना है, इनको कैसे कैसे करा जाता है। तो पूरा वीडियो देखना एंड वीडियो देखने के बाद मुझे बताना कैसा लगा एंड कमेंट सेक्शन में ये बता देना किस चीज़ पे एंजल नंबर एंड स्विचवर्ड्स चाहते हो, क्योंकि फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ एंजल नंबर्स एंड स्विचवर्ड्स। सो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंजल नंबर एंड स्विचवर्ड्स होते हैं यूनिवर्सल। हमारी लाइफ में हमारी बहुत सारी गार्जियन एंजल्स होती हैं जो हमारे साथ रहती हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिकेट करती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। अगर हम अपनी एंजल नंबर से चीज़ें मांगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आती हैं, हमें हिंट्स देती हैं, हमारी विशेष को पूरी करती हैं। हर एक चीज़ों के लिए हर एक एंजल होती है। वेट गेन करना है, उसके लिए नंबर होते हैं, स्विचवर्ड्स होते हैं। हाइट इंक्रीज करना है, जॉब चाहिए, यू नो, ब्यूटीफुल लगना है, मनी अट्रैक्ट करना है, हर चीज़ के लिए, लवर को मैनिफेस्ट करना है, मैरिज को मैनिफेस्ट करना है, हर एक चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, हर चीज़ के लिए होती हैं, लेकिन उनका सही तरीका होता है यूज़ करने का। ये एंजल नंबर्स एंड यू नो जो स्विचवर्ड्स होते हैं, ये हमारी, इनको यूज़ करने से हमारी जो वांट्स होती है, हमारी जो विशेज होती है, वो पूरी होने में लग जाती है। अब इनको यूज़ कैसे करना है और ये मतलब इनका लॉजिक क्या है इनको यूज़ करने का। हम मैनिफेस्टेशंस तो करते हैं, टेक्निक्स बहुत सारी करते हैं, हम साथ में इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ये टेक्निक कर रहे हैं तो क्या हम एंजल नंबर यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन उसको भी यूज़ करने का एक अपना एक तरीका होता है, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो एंजल नंबर यूज़ करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगी, तो देख लेना आपकी जो चॉइस है आप उसमें कर सकते हैं। बाद में इन पे एक लॉन्ग वीडियो तो मैं लाऊंगी ही, ठीक है। तो पहली जो टेक्निक होती है, दैट इज़ अपने हाथों में लिखना जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए एंजल नंबर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में अभी किसी लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो आप लव वाला एंजल नंबर भी अपनी बॉडी में लिख सकते हैं। अब बॉडी में भी किस साइड लिखना है आपको, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड होता है हमारा रिसीव करने का मोड, हम चीज़ें यहाँ से रिसीव करते हैं। तो आपको हमेशा कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में अपना एंजल नंबर लिखना है। कोई भी एंजल नंबर यहाँ नहीं लिखेगा, एंजल नंबर्स को हमेशा यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लो या फिर अपने नीचे पैर में थाई में लिख लो। वैसे बेस्ट तो है थाई में लिखने का, एंड हाथ में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे देखो कि कोई इंसान देख ना पाए। मैंने एंजल 1176 पे वीडियोस बनाए थे, क्या लोगों को मिराकल्स मिले थे, कितनी जल्दी मेरे पास सक्सेस स्टोरीज आई थी, मैंने वो भी शेयर करी थी। सक्सेस स्टोरी भी है एंजल 1176 को लेके, जो इंसान ब्लॉक्ड है, जो इंसान व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड है, बात नहीं हो रही, वो सबको तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि आप एंजल नंबर्स को यूज़ करिए, ठीक है। सो पहला तरीका होगा कि आप इसे अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लिख सकते हैं। एंजल नंबर्स को ब्लू कलर से लिखेंगे, ग्रीन कलर से लिखेंगे, बस, पर्पल से भी लिख सकते हैं, पिंक से भी लिखना है, रेड कलर से कभी नहीं लिखना, ब्लैक कलर से कभी नहीं लिखना, मैं ये अभी बता देती हूँ। एंजल नंबर्स एंड यू नो स्विचवर्ड्स को कभी रेड या ब्लैक कलर से नहीं लिखना है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, पिंक, ब्लू, पर्पल, जो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ब्लैक एंड रेड कलर से बचना है। ये दो कलर्स आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए, फाइन। तो ये हमारी पहली टेक्निक होगी जहाँ पे हम अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में कोई भी एंजल नंबर या स्विचवर्ड लिख सकते हैं। सेकेंड टेक्निक होती है कि हम इन्हें अपनी जर्नल में लिखें। जर्नल में क्या लिखना है, सिर्फ एंजल नंबर, विश नहीं लिखनी है,
कभी भी विश को नहीं लिखते हैं जब भी आप कोई एंजल नंबर या स्विचवर्ड यूज करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वो नंबर लिखना है या वो स्विचवर्ड जो आपका है स्पेसिफिकली। स्विचवर्ड्स तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन आई रिकमेंड एंजल नंबर्स यूज करा करो, क्योंकि मैं भी एंजल नंबर्स यूज करती हूँ एंड दे शो मिराकुलस रिजल्ट। सीरियसली एंजल नंबर्स आर वेरी 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 फास्ट एंड बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इन्हें अपने जर्नल में भी लिख सकते हैं। अब कितनी बार लिखना है जर्नल में, 48 टाइम्स लिखना है। 45 तो मैंडेटरी होता है, 48 लिखो या 108 लिख सकते हो। 108 तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखाते हो, नंबर ही तो लिखना है 108 बार, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन इसको बोलना कैसे है, करना कैसे बताऊंगी, लेकिन अभी इनके तरीके जान लो क्या करना है। पहला बता दिया बॉडी में लिख सकते हैं, सेकंड बता दिया मैंने कि आप इन्हें अपनी जर्नल में रोज लिखेंगे। अब जर्नल में भी कौन से कलर से लिखेंगे, ब्लू कलर से लिखेंगे। एंजल नंबर्स में स्विचवर्ड्स में रेड कलर या ब्लैक कलर को नहीं लिखना है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई रेड या ब्लैक कलर से नहीं लिखेगा। अब जो थर्ड तरीका आता है वो आता है वाटर अफर्मेशंस वाला, वाटर थेरेपी वाला। अब आप क्या कर सकते हैं, चिट ले लीजिए एंड उसमें एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल के अंदर आपको अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे एंड नीचे उस एंजल नंबर एंड स्विचबोर्ड को लिखेंगे सर्कल के अंदर ही, ठीक है। जैसे आपने इतनी बड़ी चिट ले ली, अब उसमें आपने सर्कल कर लिया, ऊपर अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख लिया ऐसे कि वो चीज़ हो गई है, और नीचे आप क्या करेंगे उस चीज़ का, आपको नंबर लिखना है या स्विचवर्ड लिखना है। ये तीसरा तरीका हो गया। और आपको अब क्या करना है, या तो आप इनको अपने हाथ में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, या अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं एंड बार बार आप उसको अपने हाथ में लेके थैंक यू ऐसा आपको चैंटिंग करनी है। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी हर एक टेक्निक को लॉन्ग में अलग से बताऊंगी। तो ये होती है चिट वाली रेमेडी। फिर से बता देती हूँ, चिट लेना है, उसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, ऐसे अपने हाथ पे रखिए, जैसे मैंने बेलीफ मैनिफेस्टेशन में बताया ना कैसे विशेष को मांगना है, ऐसे करके आपको पूरी चीज़ बोलना है और सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। ये नहीं बोलना है एंजल नंबर जल्दी करा दो, ये करा दो, सिर्फ हो गया है थैंक यू करके आपको उसको करना है। नेक्स्ट तरीका जो होता है दैट इज, आप क्या कर सकते हैं, इसको पानी के नीचे रख सकते हैं। ग्लास होता है कांच का, कांच के ग्लास के नीचे चिट को रख दीजिए, खुली हुई चिट को रख दीजिए एंड आप रोज वो पानी पी सकते हैं। पानी बढ़ाते जाइए, पीते जाइए, बढ़ाते जाइए, पीते जाइए। ये मैंने आज आपको चार टेक्निक्स बताई हैं स्विचवर्ड्स एंड एंजल नंबर्स को यूज करने का। पहला हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लिखना, सेकेंड हो गया आपको रोज जर्नल में लिखना है, थर्ड होगी चिट वाली रेमेडी जो आपको अपनी पॉकेट में, अपनी जर्नल में कहीं भी रख सकते हैं एंड दिन में 2-3 बार बस 5 मिनट अपने हाथ में रखें एंड उस चीज को ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू ये मुझे मिल गया है। एंड जो मैंने लास्ट बताया दैट इज वाटर थेरेपी वाला भी होता है, ये मैं कर चुकी हूँ एंड ये बहुत बहुत मिराकुलस होता है। थोड़ा टाइम लगता है इनको होने में लेकिन ये बहुत रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दिखाते हैं। एंजल नंबर्स तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो आपको कांच का ग्लास लेना है, जैसे आपकी चिट है, चिट खुली होनी चाहिए, ऊपर की तरफ आपका नंबर लिखा होना चाहिए, वो छुपा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आप ऐसे ग्लास रख सकते हैं और रोज सुबह शाम उस पानी को पिए, उसमें पानी बढ़ाते जाइए और उस पानी को पीते जाइए। 10 मिनट भी रखोगे चिट के नीचे तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको चार रेमेडी बता दी यूज़ करने के। अब इसमें कैसे आस्क करना है, बिलीव करना है, रिसीव करना है, लेट गो करना है एंड कितने दिन करना है। आपने अगर कोई भी एंजल नंबर एंड स्विचवर्ड्स को लिया, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एंजल 1176, ये हमारी विशेस को कंट्रोल करता है, हमारी विशेस को पूरी कर देता है। तो मैंने बोला मेरी कोई अच्छा है, दैट इज मुझे जॉब अट्रैक्ट करना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं बोलूँगी डियरेस्ट एंजल 1176 थैंक यू फॉर एवरीथिंग, पहला आएगा ग्रैटिट्यूड। देन मुझे करना है आई रियली वॉन्ट, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक बार बोलना है ये चीज़ को, है ना, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, वहाँ से इतनी सैलरी आ जाए, मैं वहाँ पे मैं मनी अर्न करना चाहती हूँ, मैं उस जॉब में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसे करके आप उसको आस्क करना है। जब आप इसको आस्क कर लेंगे फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे एंड फिर पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, दैट इज मुझे मेरी जॉब मिल गई है, थैंक यू। उसके बाद कभी भी आस्क नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस ही बोलनी है एज इफ वो हो चुका है, लाइक थैंक यू एंजल 1176 मेरी विश पूरी हो गई है, मेरी मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू, ऐसे करके हमेशा आपको पॉजिटिविटी बोलना है। जब आप वो चिट वाली रेमेडी भी करेंगे, हाथ में भी लिखेंगे, हमेशा जब उसको देखेंगे थैंक यू एंजल मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू स्विचवर्ड मेरा ये काम हो गया है, आपको ऐसे करके बोलना है।
अब लोग बोलेंगे कि इसमें लेट गो होता है, तो इसमें लेट गो नहीं होता है। कोई भी एंजल नंबर में, कोई भी स्विच वर्ड में कभी लेट गो नहीं होता है। लेट गो यहाँ कैसा होता है, बस आपने सुबह लिख लिया, एक बार देख लिया, अब पूरे दिन उस बारे में सोचो मत। चिट वाली रेमेडी कर ली आपने, यूनिवर्स को थैंक कर दिया, अब उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो। अब ये नहीं करना कि एंजल कब होगा, स्विच वर्ड कब होगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपने पानी पिया वाटर वाला, तो आप उसको छोड़ दो। अगर आपने अपने हाथ में लिखा उसको छोड़ दो। जर्नल में भी अगर आप रोज लिख रहे हो तो लिखो, देन उस चीज़ को भूल जाओ, उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। एंड लेट गो इनमें नहीं होता है, किसी भी एंजल नंबर एंड स्विच वर्ड्स में लेट गो नहीं होता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंजल नंबर्स में लेट गो एंड स्विच वर्ड होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बस यूज़ कर लीजिए पूरे दिन में, बस 5 मिनट दीजिए उसको। सुबह भी 5 मिनट दे सकते हैं, शाम को भी 5 मिनट दे सकते हैं, और उस चीज़ को भूल जाइए। ठीक है, जैसे कि अपन मंदिर गए, भगवान से प्रेयर करी और वापस आ गए, ऐसे एंजल नंबर के पास गए, उनसे बोला और फिर बस अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ठीक है, अब इसको कितने दिन करना है, तो भाई मैं तो बोलूँगी कि 1 मंथ करना है और रेगुलरली करना है, क्योंकि लोग तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 12-12, 1-1 साल एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स अपने हाथ में लिखे रहते हैं। रोज़ सुबह उठ के नहाने के बाद अपनी बॉडी में फिर से लिखना है। ठीक है, एंड आपको ये रोज़ करना है, मैं सच बोल रही हूँ। एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स बहुत मिराकुलसली काम करते हैं, मैंने इनको बहुत बार यूज़ करा है। मैंने एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए एक स्विच वर्ड यूज़ करा था पर्सनल, एंड मैं उस पर बहुत जल्दी सक्सेस स्टोरी लेके आने वाली हूँ आप सबके पास। ठीक है, वैसे सक्सेस वाला पर्सनल पे एक वीडियो ऑलरेडी है मेरा। ये इतनी सारी टेक्निक्स हो गई है, आप कोई भी एक टेक्निक यूज़ करें, 2 टेक्निक नहीं करना, इन सब में से कोई एक चूज़ कर लो और उसको यूज़ करना है। एंड सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जर्नल में लिखने वाला होता है, जो हम 108 बार लिखते हैं ना, वो बेस्ट होता है। लिखते जाओ और थैंक यू हो गया, लिखते जाओ थैंक यू ऐसा करना है। अगर चाहो तो इन सब पे डीप वीडियो चाहिए हर एक टेक्निक का, तो मैं जल्दी वो वीडियो भी आपके पास लेकर आऊँगी एंड बताऊँगी कैसे मिराकुलस रिजल्ट दिखाते हैं। जितना आप एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स को पॉजिटिव अफर्मेशन देके काम करेंगे, वो उतने जल्दी काम करने लग जाएंगे। ये नहीं करना कि कब होगा, मैं वेट कर रही हूँ। आप बस जितना आप वहाँ पॉजिटिव बोलेंगे, उतने मिराकुलसली वो चीज़ काम करने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपने एक बार आस्क कर लिया, बिलीव तो रखना ही है, और बस उन अफर्मेशंस को बोलना है। एंड पूरे दिन में कभी भी बोल लो और भूल जाओ। यहाँ पे लेट गो करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को, जैसे आपने सुबह 8 बजे बोला, अब पूरे दिन बिल्कुल भूल जाओ, कुछ बोला शाम को 4 बजे को और बार बोल दो, या नहीं है तो रात को फिर से 8 बजे को और बार बोल लो। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स का पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है, आप इनको पीरियड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत मिराकुलस रिजल्ट दिखाती है। एंड सीरियसली, मैंने एंजल 1176 पे, मैं आई गेस मेरे को इतनी सारी सक्सेस स्टोरी मिलती है इंस्टाग्राम पे, मैं वो सारी सक्सेस स्टोरी आपके पास बहुत जल्द आने वाली हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ मैंने आपको बताया है कैसे एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स को यूज़ करना है, 4 टेक्निक बताई है, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। एंड एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स को अगर यूज़ करा है, तो यार ये नहीं कि रिजल्ट ही मिला तो छोड़ दिया, ऐसे कभी मत करा करो। यूज़ करा करो, पेशेंस रखा करो, वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। 1 महीने तो यूज़ करो, फिर देखना कितने मिराकुलस रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको एंजल नंबर एंड स्विच वर्ड्स का फंडा समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इनके तरीके होते हैं, एंड आप इनको यूज़ करिए। किसी भी एंजल नंबर स्विच वर्ड पे वीडियो चाहते हो, कोई एंजल नंबर स्विच वर्ड, वैसे मेरे पास हाइट एंड वेट को लेके बहुत सारा आया है, वो वाला वीडियो जल्दी आने वाला है। किसी और चीज़ पे चाहते हो एंजल नंबर एंड स्विच वर्ड्स, तो मुझे कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब सक्सेस स्टोरी आने वाली है, मेरे पास रेड तारा मंत्र की सक्सेस स्टोरी आ गई है, 2 सक्सेस स्टोरी रेड तारा मंत्र की आई है, एंड क्लीम की भी एक सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। तो ये 3 सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी मेरे वीडियोस में आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके बताना, एंड सेंडिंग यू ऑल द लव एंड पॉजिटिविटी। बाय।